तू जान ले इश्क मुर्शिद मेरा, जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। अच्छा सर, वो मेरी बात हो गई है, स्कूल के लिए फंड वगैरह और अप्रूवल हो गई है, तो कोई टेंशन नहीं, स्कूल बन जाएगा। इट्स ओके। बिल्डिंग्स तो बन जाती है, इतनी बड़ी बात नहीं है, अच्छे टीचर्स होना इम्पोर्टेंट है। जब तक अच्छे टीचर्स नहीं होंगे इन बच्चों की तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्डिंग्स तो पहले भी लोगों ने बनाई हैं, वो भी हो जाएगा। इन बच्चों में से एक बच्चा भी काबिल इंसान बन गया ना, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। ज़िंदगी का और कोई मकसद तो है नहीं। अरे क्या नाम है तेरा यार? भले। अच्छा मैं अब भले हो गया? हाँ मेरा नाम फजल बख्श, तेरा दोस्त जो ले गया। मुंह उठा के चले आते हैं, बदलते भी नहीं है, फारिग होगा बिल्कुल। हाँ देख नहीं रहे हो, काम कर रहा हूं। अच्छा चल जल्दी चल, बहुत जरूरी काम है। अच्छा मेरे सिवा मुल्क ही नहीं चल रहा, पूरे 200 रुपए लिए ये छांगने के, 50 के तुम भी छांग के दे उसको, छांग उसको, काम कर बाबा। भले ये जो संगत में मजबूर करते हो ना, काम बता। भले बड़ा घर, हमारा घर तो पाँव रखते ही खत्म हो जाता है, तुम्हारा तो खत्म ही नहीं हो रहा। थक गए चल चल के। मेरा नहीं है ये, दाऊद अली खान का घर है। हाँ कौन है वो दाऊद? सियासतदान दाऊद अली खान। और ये चर्या इधर कैसे लेकर आए? उसका बेटा तुमसे मिलना चाहता है। और ये बाबा ऐसे नहीं तो पूरे मुल्क की सुनी कर दी है। क्या कर दी? सब मैं बताऊं क्या? पढ़ती नहीं हूँ, मतलब बर्बाद कर दिया, खा जाते हैं, खा गए। सांस आ रही है? हाँ बस ठीक है। ठीक है तो मैं पैसे तो चुका लूँ ना यार, ये जो चीज़ देख लेते हैं ना वो छीन लेते हैं। हाँ सिर्फ इनकी नज़र पड़ जाए ना फिर देखो। कैसा है फजल बख्श? अरे ये भी इधर है क्या? अच्छा काम करते हैं? हाँ ड्राइवर है, बोर्ची है, बावर्ची है, ऑमलेट बहुत अच्छा बनाता है। मैं कैसे मानूंगा, जब तक पका के खिलाएगा नहीं मैं नहीं मानूंगा। हाँ उसमें ऐसे करो, ऑमलेट बनाओ ना, उसमें काली मिर्ची डालो, थोड़ा सा हरा धनिया। हाँ भले खाएगा? खाएगी, भूख भी लगी है। खिला दे भाई। अरे ये देखो, ये कुर्सी पे बैठ गया, मैं बैठने वाला था ये बैठ गया। मैं भी एक घर में नौकर लगा था ना, कुर्सी खाली देखी, घर खाली देखा, फिर सो जाता था बेड पे या कुर्सी पे, मालिक आते थे तो फिर मैं उठ जाता था।
शामीर सिकंदर है दाऊद अली खान का बेटा, एक इकलौता बेटा शामीर। ये अगर दाऊद अली खान का बेटा शामीर है ना, तो मैं भी फिर बिल क्लिंटन का बेटा शमशीर हूं। वो भी अकुल होता। तू ही बता दे यार। साध असल टट को बुला रहा है, मुर्की होता है ना उधर टट जो। जी शामिर साहब। एक ऑमलेट बना के लाओ, उसके ऊपर थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल देना। जी सर। काली मिर्च थोड़ी ज्यादा ऊपर दे। मैं मिस्किन आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ सर, मेरे से मेरी गलती हुई। मेरे 8 बच्चे हैं, नहीं 1 बेबी, 7 बच्चे हैं मेरे। मेरी मेरे ठेले के पारत है, मुझे तो पता था आपकी पर्सनलिटी देख के, कहा गया मेरी पर्सनलिटी, आपकी पर्सनलिटी देख के मैं समझ गया था आप दाऊद खान के बेटे शामिर खान। हाँ, ऐसा दाऊद खान का बेटा हो सकता है? किसी फकीर का तरह पर्सनलिटी है, मैं समझ गया साहब। गलती हो गई, मैं ये जितने पैसे आपसे आपसे लिए थे ना, मैं वापस कर रहा हूँ। ये सर, ये 800 रुपये, ये मैं ले रहा हूँ कचरा, बाकी मैं किस्तों में आपको वापस दे दूँगा जितने लिए थे। बस साहब, मेरी मेरी रेडी की पारत है ठेले की, गलती हो जाती है इंसान से। काम है तुमसे, चाहिए अब तो नेड़ी कुछ को गई, थोड़ी पीऊंगा। वैसे मैं पहला बंदा हूं सुबह का जो आपसे खा रहा था, नहीं तो आपकी पार्टी तो पूरा सुबह खा गई है। भले मजा करो था। कोई बात नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह अम्मा बाबा की कसम, आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि अपनी खुशी लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकती। ईमान से आप जल्दी से मुंह मिठा करें ना, फिर आपको खुशखबरी भी सुनाती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मुझे वो खुशखबरी पहले जानना है तो? हाँ, खुशखबरी तो सुनानी है, जाहिर है सुनानी पड़ेगी खुशखबरी तो। वो ना बात ये है भाई साहब कि हमारे जोएब को ना सरकारी नौकरी मिल गई है, वो भी पूरे 17 ग्रेड की। अब मुंह तो मीठा करे ना, मिठाई तो खाए ना। मीठा नहीं, जहर है मेरे लिए। क्या हो गया सलमान, क्या कह रहे हैं? अनजान मत बनो सुफिया, जानती हो तुम अच्छी तरह कि जोएब को ये नौकरी किस तरह और किसने दिलाई। तो मेरे भाई ने दिलवाई है, आपको इस बात से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम लोगों की तरह हलाल और हराम का फर्क नहीं भूला हूं। कौन सा हलाल, कौन सा हराम, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। छूट मत बोलो दरकिस, पता है तुम्हें, जानती हो तुम कि शामिर सिकंदर की सिफारिश से नौकरी मिली है जोहेब को। अगर मिली भी है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? कभी खुद कुछ नहीं कर पाए मेरे लिए, इसलिए जोहेब बोलने दो आज मुझे। जरा पूछो अपने बाबा से, जब भी मैंने जॉब अप्लाई करने की कोशिश की, अच्छा मेरिट होने के बावजूद, डिग्री होने के बावजूद, मुझे मेरे हक से क्यों महरूम रखा गया? क्योंकि मेरे पास सिफारिश या रिश्वत देने के पैसे नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम बेईमानी के रास्ते से कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ो? तो जब उस सीढ़ी पर चढ़ के कोई और मुझे धक्का दे रहा था, तब आपने मेरे हक में क्यों नहीं आवाज उठाई? तब आपका ये ईमान, आपके असूल, ये कहां सो रहे थे मामू जान? छोड़ो जोहेब, तुम भी किसे समझा रहे हो? वो तो भला हो शामिर सिकंदर का, जिसने अपनी बहन की झोली में वो सारी खुशियां ला के रख दी, जिसका ख्वाब भी नहीं देख सकते थे भाई साहब। खामोश हो जाओ नरगिस, और मेहरबानी करके चली जाओ यहां से। हाँ हाँ, जा रही हूँ जा रही हूँ।
मुझे भी कुछ शौक नहीं है यहाँ बेइज्जत होने का, जलील होने का। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा मेरी, चिराग छोड़ सूरज भी लेके ढूंढने निकलेंगे ना, शामीर सिकंदर जैसा दामाद नहीं मिलेगा। आपको तो पता नहीं, याद है कि नहीं है, जब सफिया आप जिंदगी और मौत के बीच में लटक रही थी तो उसी ने जिंदगी बचाई थी इसकी, और शिबरा को भी नई जिंदगी देने वाला शामीर सिकंदर ही है, जिसे आप फरिश्ते के बजाय शैतान समझ रहे हैं। नहीं खानी मिठाई ना खाएं, मैं तो खाऊंगी। चल भाई चले यहां से, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस घर से अब। चलो चलो। तुम तो आओ ना, वो है तुम्हारा घर, मेरे घर में रहती हो। तबीयत कैसी है? काफी टाइम से सोच रहा था आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, बस मौका नहीं मिल रहा था। अभी बात कर सकते हैं हम? आप शायद अभी बात नहीं करना चाहते। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आके बात करता हूँ। सुलेमान अहमद आया था, वो भी कोई बात सुनाने आया था। पापा प्लीज लेट मी। कुछ एक्सप्लेन ना करो और कुछ ना बताओ मुझे, मुझे सब पता था और बहुत अरसे से पता था। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, जब मुझे पहली बार पता चला था बहुत तकलीफ हुई थी, मुझे दुख पहुंचा था, मेरा मान टूटा था। झूठ बोला था, मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला है। धोखा देते रहे हो तुम मुझे। जानता हूं बाबा, मगर आपको धोखा नहीं दिया मैंने। लंदन का बहाना करके तुम कहां जाते रहे हो, क्या करते रहे हो, किस हुलिये में, किस घर में? तुम्हें अपने बाप का ख्याल नहीं आया, तुम्हें अपनी मां की पार्टी का ख्याल नहीं आया जिसके तुम चेयरमैन बन रहे हो? ये हरकतें कर रहे हो तुम? एहसास बट आई डेल्ट विद इट। अब मुझे एक्सप्लेन करने देंगे? नो, देखिए मेरी भी बात मुकम्मल नहीं हुई है। मैंने दरगुजर किया, बर्दाश्त किया, पता है क्यों? तुम बेटे हो मेरे, प्यार है तुमसे। लेकिन आज जो हुआ अभी तुम्हारी वजह से, बर्दाश्त हो रहा मुझसे। I'm sorry, बाबा। वो सुलेमान अहमद यहां आके मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे क्या क्या किया, धमकी देकर गया। पता क्या कह रहा था? पता है कह रहा था कि मैं तुम्हें
उसकी बेटी से दूर रखो। 6 दिन भी आना था वो। I'm sorry बाबा, मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी। मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं आपको और पार्टी को डैमेज भी नहीं होने दूंगा। सलीमान अहमद गुस्से में, अभी थोड़ा सा वक्त दें उन्हें। एक दफा आप और मैं रिश्ता लेके जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें अकलमंद समझता रहा हूं, शायद तुम मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ हो। मैं तुम्हारी मोहब्बत में रिश्ता ले भी जाऊं, वो सुलेमान अहमद क्या करेगा तुम्हारे साथ मेरे सामने, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मर जाएगा अपनी बेटी तुम्हें नहीं देगा, मर जाएगा। बाबा सच ये कि मैं बहुत आगे आ गया हूं, मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे नहीं फर्क पड़ता आप सुलेमान अहमद क्या सोचते हैं। मैं इतना जानता हूं पीछे नहीं हट सकता मैं, बस आप ये बात याद रखिएगा। क्या सोच रहा है? अपनों को दिए हुए जख्मों को कैसे भरेंगे? क्या कहना चाह रही हो? सुलेमान, इंसान जो है ना, वो खुद से नाराज होकर किसी और को खुशी नहीं दे सकता। देखा था नरगिस कितनी खुश थी जब आई थी। सुकैना का चेहरा कितना रोशन था, और सुहेब, वो तो आपका अपना ही खून है ना। एक तुम्हारी कसर रह गई थी, तुम भी बोल लो, जी हल्का कर लो, कलेजा ठंडा कर लो अपना। मैं ये सब कुछ इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप एक ऐसे लड़के को धुतकार रहे हैं जिसने हमारा घर आबाद करने के लिए इतना कुछ किया है कि अगर हम अपनी जिंदगियां भी तमाम कर दें ना, तो उसकी नेकियां खत्म नहीं। एक मिनट, नेकियां नहीं है वो, उसकी चाल है। अरे जो पॉलिटिशियन है ना, ये जमीन की तरफ सिर्फ उस वक्त झुकता है जब उसे हीरा उठाना होता है। तुम नहीं समझते उसकी बदनीयती। अरे मुझे अपने एहसानों के बोझ चले इसलिए दबा रहे हैं कि ये चाहते हैं कि मेरी और मेरे असूलों की कोई अहमियत ना रहे। तो जीलो तो कर दिया उन्होंने, मेरे अपने मेरे सामने खड़े हो गए। सफलो में हार गया, मेरा मौका हार गया, और उसकी चालाकी कहीं उसकी जीत में कहीं ताली बजा रही। सोच भी नहीं सकते थे कि आप शामिर के बारे में यह राय रखते हैं।
सुलेमान, एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए कि जो आप कह रहे हैं वो सब सच है। चल ठीक है, मैं इस वक्त मान भी लेती कि आपके फैसले, आपके इरादे सब ठीक हैं। ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ अकेले आप ठीक हैं और हम सब गलत हैं? अच्छा ठीक सफिया, तुम बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सूरत हाल को मिसजज कर रहा हूं? मैं हालात की संगीनी को नहीं समझ रहा, तुम बताओ मुझे, बताओ। जज्बाती होकर सोच रहे हैं कि कसूर पसंद इंसान नहीं है, पाप बनकर सोचें। शिप्रा इस वक्त बहुत तकलीफ में है, उसकी मुश्किल को आसान करें। अपने दो प्यारों के बीच में फंस गई है। सुलेमान, वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों के फैसलों का एहतराम करें। सुकेना, मैं क्या सोच रहा था कि थोड़ा बहुत लंच कर लेते, फिर उसके बाद मजे से लड़े। वैसे भी अच्छा थोड़ी लगता है कि नई नवेली दुल्हन खाली पेट लड़ाई करे, क्या ख्याल है? तुम्हें क्या जरूरत थी अब्बा के सामने अपनी नौकरी का पूरा ढिंडोरा पीटने की? क्या हो गया ये करके? तो और क्या करता, वैसे भी आज ही तो कल तो ये बात सबके सामने खुलनी थी। मैंने सोचा अगर मामू जान अपनी प्यारी सी बेटी को हंसता बसता आबाद देखेंगे तो शामीर को लेके उनके दिल में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ ही जाएगा, लेकिन वो तो आपस ही बाहर हो गए। अच्छा यार, आई एम सॉरी, तुम्हारे भाई ने हमारे लिए इतना कुछ किया और मैं चाह के भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। शायद इसी वजह से थोड़ा ओवर सेंसिटिव हो रहा हूँ। ओके, थैंक यू। पता नहीं इस कहानी का अंजाम क्या निकलेगा, जो भी शिब्रा डिसाइड करे। वो तो शिब्रा डिसाइड कर लेगी, लेकिन अभी मेन्यू में ऑर्डर क्या करना है वो तुम डिसाइड कर लोगी क्या? क्योंकि खुदा की कसम बहुत भूख लगी थी और तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। हो अबा, मेरी बेटी मेरा मान है और मेरे सर कभी झुकने नहीं देगी। फजल बख्श, आई मीन शामिर साहब, सर आप मत प्लीज आइंदा फोन मत कीजिएगा। आपकी चाय बाबा। मुझे पता है नाराज हो तुम मुझसे, है ना? नाराज नहीं हूं बाबा, लेकिन आप कर रहे हैं
औलाद का दुख नहीं देखा ना तुमने, तुम कह सकती हो? ऐसी बात नहीं है बाबा, मैं बस इतना जानती हूँ कि बाप की गलती की सजा औलाद को नहीं देनी चाहिए। इस सर की कसम, शामिर की वकालत करने आपके पास नहीं आई, मैं सिर्फ उसका सच बयान कर रही हूँ। वो सच इसको कहने और साथ देने का आपने मुझे राइट दी। हाँ मैंने दिया है, लेकिन खुदकुशी का इख्तियार तो मेरे रब ने भी नहीं दिया, मैं कैसे दे सकता हूँ तुम्हें? तो फिर मुझे ये भी बता दें, किसी को मार देने का इख्तियार क्या रब ने आपको दिया? मुझे ये तो नहीं पता कि मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं, बट शामिर मर जाएगा बाबा। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े, तुझसे पिया पागल या जोगी, मुझको कहो तुम हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर सो जाना चाहे हो जो भला। कभी जिंदगी में मरना हुआ ना तुम्हारे लिए, तुम्हें छोड़ के जाना हो बता के नहीं सकता, खामोशी से निकल जाऊंगा। ये ज्यादती मैं नहीं होने दे सकती उसके साथ, आप ही कहते हैं ना कि शामिर दाऊद अली खान का बेटा है, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो जुबैदा सिकंदर की भी औलाद है? मर चुकी है जुबैदा सिकंदर, और मरे हुए लोगों को याद किया जाता है, उनसे रिश्ता नहीं छोड़ा जाता। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं दाऊद अली खान ने अपने घर बुला के मेरे साथ क्या नारवा सलूक किया। क्या क्या सलूक किया बाबा? पापा बताएं, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या किया उन्होंने? पापा जवाब दें, क्या हुआ? बस थैंक्स। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। मेरी हारून बेग से बात हुई थी। गेस व्हाट, महरीन ने उसे सब कुछ बता दिया। हाँ मैं जानता हूँ, मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं, शादी की तारीख जल्दी से पक्की करें। यू नो व्हाट आई थिंक, के सुलेमान को यहाँ पे बुला कर उसे धमकाने से मामला सेटल नहीं होगा। आई थिंक हमें शामिर को लेकर शिब्रा के घर जाना पड़ेगा। क्यों? Because we are left with no other option. तुम्हें कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रही? हालांकि मैं अभी भी, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम यहां आए कैसे हो? किसकी इजाजत से? किसकी इजाजत से आई है? अगर आप मेरे बाबा को बिला वजह धमका सकते हैं तो क्या मैं शामिर को आपकी असलियत नहीं बता सकती? कैसी असलियत? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आके मुझसे? बहराम, बहराम। बाबा शबरा को इस घर में आने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने पर आइए। सॉरी,
बाबा को तुमसे इस तरह नहीं बात करनी चाहिए थी। गलत किया उन्होंने। शिवरा, इस बात का हिसाब मैं लूंगा उनसे। नहीं शामी, मैं यहां तुम्हें तुम्हारे बाबा के अगेंस्ट करने नहीं आई थी, बल्कि उनको ये बताने आई थी कि हम मिडिल क्लास तो हो सकते हैं लेकिन बगैरत नहीं। और प्लीज तुम कुछ मत करना, आगे कोई भी सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है, मैं नहीं चाहती मजीद मसले हों। चल, अच्छा लगा सुन के। पहली बार तुम्हारा नाम का मतलब जान के थोड़ा बहुत भी डाउट था ना, क्लियर हो गया। तो हमेशा से ऐसी? हाँ, मुझसे बेहतर कौन जानेगा। क्या चाहती हो शिप्रा, क्या करना चाहिए मुझे? दाऊद, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं पहले बहुत परेशान उस लड़की की वजह से। हाउ कैन यू डू दैट? बेवकूफी की भी कोई हद होती है? तुमने तो सब हदें पार कर दी। मैंने कुछ गलत नहीं किया बाबा। आप दाऊद अली खान की सजा शामिर को कैसे दे सकते हैं? कौन होता हूं किसी को सजा देने वाला? I'm just trying to protect my family. क्यों बाबा? क्योंकि आप खुद को कमजोर और हमें हकीर समझते हैं। शिब्रा, बाबा आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ आज क्यों हो रही है? क्योंकि जिस शख्स को मैंने सारी जिंदगी अपना मेंटोर माना, आज वो दाऊद अली खान से डर रहे, उसके दबाव में आ गया। दबाव नहीं कहते, जैसे केयर कहते हैं, तुम नहीं समझोगी। देखो चलो, फर्ज करो मैं मान भी जाऊं, शामिर के घर वाले तो राजी ही नहीं है इस रिश्ते के लिए। तुम्हें क्या लगता है दाऊद अली खान इस चौकट पर आएगा तुम्हारा रिश्ता लेकर? अगर आगे तो